सीखने वाली बात पता है क्या है? बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है फ्यू का मतलब होता है कुछ, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आ फ्यू का मतलब होता है कुछ, और जो ये सिर्फ फ्यू होता है ना, इसका मतलब होता है ना के बराबर, बहुत ज्यादा कम को कहते हैं फ्यू। तो फ्यू आपने वहां यूज करना होता है जहां पे आप बहुत कम दिखा रहे हो किसी चीज को, काउंटेबल चीज को, जिसे गिन सकते हो। और ए फ्यू वहां लगाना है जहां थोड़ा बहुत या कुछ कहना चाहते हो। द फ्यू कब लगाते हैं? द फ्यू तब बोला जाता है जब आप कह रहे हो टोटल जितना भी आपके पास है सारा, जब आपने कहना है ना जितना भी, तो उसके लिए द फ्यू। जब आपने कहना है कुछ, तो उसके लिए अ फ्यू। आपने कहना है ना बराबर, तो उसके लिए फ्यू। पर ध्यान रखना यूज करते हुए, चाहे फ्यू लगाओ, चाहे अ फ्यू लगाओ, चाहे द फ्यू लगाओ, सिर्फ और सिर्फ काउंटेबल नाउन्स के लिए आएगा, यानी ऐसी चीजों के नाम जो गिने जा सकते हैं, जैसे बुक्स गिनी जा सकती हैं, पेंस गिन सकते हो, गर्ल्स गिन सकते हो, स्टूडेंट्स गिन सकते हो, तो इनके लिए आप लगा सकते हो फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। और लगाते हुए ध्यान रखना, फ्यू ना के बराबर, ए फ्यू कुछ, और द फ्यू जितना भी है सारा।